नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू ओझा पेश करती हूँ रात 11 बजे तक की प्रमुख खबरें। सबसे पहले खबरें राज्यों से जुड़ी। एक ही लाइन अभिभाषण पढ़ने के लिए सीएम ने राजभवन जाकर धनखड़ को दिया धन्यवाद। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान हुए हंगामे के बीच सीएम ममता बनर्जी तथा तृणमूल विधायकों के अनुरोध से राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक ही लाइन अभिभाषण पढ़ पाए। इसके लिए सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल को धन्यवाद दिया है। प्याज बुझाने के लिए निकले हिरण को विधानसभा सदन में नहीं मिली एंट्री। वहीं तृणमूल में शामिल होने पर कहा, ऐसा क्या है मुझ में कोई बताए जरा। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण से पहले भाजपा विधायकों ने सदन के भीतर जहां जमकर विरोध कर नारेबाजी की, वहीं भाजपा के खड़गपुर सदर के विधायक हिरण चटर्जी को सदन के भीतर जाने की इजाजत ही नहीं मिली। इस वजह से हिरण को सदन के बाहर ही खड़े रहकर इंतजार करना पड़ा। मैं पहले तो अंदर में था, थोड़ा प्यास लग गया था, इसलिए बाहर में आए थे पानी का बोतल लाने के लिए, पीने के लिए, और बाकी जो हमारे सदस्य थे उनके लिए भी पानी लाने के लिए मैं बाहर आया था। जैसे फिर पानी पी के फिर जैसे अंदर में जाने के लिए कोशिश की तो फिर अंदर से ताला लगा दिया और मुझे कह गया है कि मार्शल ने कह दिया किसी को अंदर जाने नहीं देंगे। तो मैंने कहा मैं तो विधायक हूँ, बोला फिर भी अंदर अब जाने का कोई परमिशन किसी के पास है नहीं। सांसद लॉकेट चटर्जी ने बागी नेताओं के साथ की बैठक, भाजपा में तेज हुई तकरार। सांसद ने बागी नेताओं के साथ बैठक कर भाजपा में से बहिष्कृत नेता रितेश तिवारी, जयप्रकाश मजुमदार के अलावा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बनर्जी, भाजपा नेता सैमसन बसु और समीरन साहा भी मौजूद रहे। इसे लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। देर से खत्म होगी उच्च माध्यमिक की परीक्षा। उच्च माध्यमिक परीक्षा के रूटीन में बदलाव किया गया है। सोमवार को उच्च माध्यमिक शिक्षा संसद की ओर से नई रूटीन की घोषणा की गई है। पुराने रूटीन के अनुसार जिस दिन परीक्षा खत्म होने की बात थी, अब नए रूटीन के तहत 6 दिनों के बाद परीक्षा समाप्त होगी। पहले के रूटीन के अनुसार 2 अप्रैल से 20 अप्रैल तक उच्च माध्यमिक की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन सोमवार को जारी नए रूटीन के अनुसार परीक्षा 26 अप्रैल को समाप्त होगी। जॉइंट एंट्रेंस मेन और उच्च माध्यमिक की परीक्षा एक ही समय में पड़ने के कारण ये बदलाव किया गया है। विधानसभा में हंगामे के बाद भाजपा के विधायकों का दल गवर्नर से मिला और मेमोरेंडम सौंपा। ये है खबरें जिलों से जुड़ी। गुस्साए छात्र और अभिभावकों ने प्रिंसिपल को पीटा, मुंह पर कालिक पोती। पानीहाटी के आगरपाला नेताजी से चैतन हाई स्कूल के 13 छात्र एडमिट कार्ड नहीं मिल पाने के कारण इस साल परीक्षा में नहीं बैठ पाए। इसके पीछे स्कूल प्रबंधन और उदासीनता को आरोप लगाते हुए गुस्साए छात्र और अभिभावक जबरन स्कूल में घुस गए। उन्होंने प्रिंसिपल स्वपन घोष के कार्यालय में घुसकर उनके साथ मारपीट की। कुछ अभिभावकों ने उनके मुंह पर कालिक पोती। घटना को लेकर इलाके में भारी तनाव फैल गया है। बोर्ड के আমরা বারে বারে রিকোয়েস্ট করেছি, ছেলেদের কথা বলেছি যে আমাদের একটা ভুল হয়ে গেছে যে কোনো কারণেই হোক। এখন দেখুন এই ভুলটা আপনি যদি বলেন, আমাকে তো কোনো ছাত্র এসেও বলেনি যে স্যার আমার ফর্ম ফিল আপ হয়নি, কোনো গার্জিয়ান এসেও বলেনি আমার স্যার ফর্ম ফিল আপ হয়নি, আমার স্কুলে কোনো স্টাফও এসে বলেনি স্যার আমার ফর্ম ফিল আপ হয়নি। আমি ক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করেছি আর কোনো ক্যান্ডিডেট নেই তো, সে বলেছে না এটাই লাস্ট, আমি জমা দিয়ে দিয়েছি। যখন এডমিট আসলো তখন ডিটেক্টেড হলো এই 11 জনের এডমিট আসে। चंडीतल्ला में मिनी डोर पलटने से 14 लोग घायल हो गए, इनमें 2 की हालत नाजुक है। उन्हें कोलकाता के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह सभी उत्तर 24 परगना के हड़ोया इलाके के फुरफुरा शरीफ में रविवार से शुरू हुआ 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम हिसाब स्वाब में भाग लेने जा रहे थे। देश और दुनिया की खबरें। आज रात से बढ़ सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे जंग ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। आज इस युद्ध का 12वां दिन है और पहले दिन में ही वैश्विक स्तर पर इस जंग का असर दिखने लगा। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आज रात से बढ़ सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें। मनोरंजन से जुड़ी कुछ खबरें। अभिषेक रणवीर बंटीवालिया जैद और अवेश दरबार के साथ समीर कोचर FSC कार्यक्रम के दौरान किया गया स्पॉट। कल के मौसम का हाल। महानगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। धूप खिली रहेगी। इसी तरह विशेष खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।